फोर थ्री टू वन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है? कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दे तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहाँ 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियाँ की है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को ना देकर उद्योगों को दिया गया है। हमारे उद्योग देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी,
यह भी सोचने की बात है।